हाँ बेटा, ठीक तो है ना? सब ठीक है? हाँ बाबूजी, सब ठीक है। बस आप सभी लोगों की यादें बहुत आती हैं। मन करता है कि आपके संग जैसे बचपन में खेलकूद करते थे ना, फिर से करें। कभी कभी तो लगता था समय में वापस आ गया, आप लोगों के संग जो बचपन में खेला कूदा, आपकी गोदी में रहा, वो पल दोबारा से जी लूं। पर ना बचपन रहा, ना वो पहले जैसी आज़ादी। अब तो केवल बस जिम्मेदारियां हैं। बेटा कैसी बातें कर रहा है, ठीक है जल्दी आ जा। अब क्या कर सकते हैं बाबूजी, पहले बड़े हुए तो घर की जिम्मेदारियां आ गई, फिर फौज में भर्ती हो गए जैसे तैसे करके, तो अब देश की जिम्मेदारियां आ गई। समय नहीं मिल पाता कभी खुद के लिए। अब तो कुछ समय हमारे साथ भी बिता ले, कब तक भारत माता को समय देता रहेगा? कभी इस अपने बाप को, इस बूढ़े बाप को भी समय दे दिया कर। जी बाबूजी, मैं आपको जल्दी आपसे फोन करता हूँ फ्री होकर, ठीक है? और मैं जल्दी वापस आऊंगा। ठीक है बेटा, बाप बेटी की तो बातें चलते रहेंगी, तू अपने ना देश पे ध्यान। सूरज इधर आओ। यस सर। आपके लिए मंजूर हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन विजय भाई, तुम्हारी लीव मंजूर हो गई। बढ़िया, एंजॉय करना, घर वालों से मिलना और भाभी को लक्ष्मी सभी बोलना मेरी तरफ से। हमारे लिए बुरी खबर है, हमारे पड़ोसी देश के कुछ बेटियों ने हमारे कैंप के आसपास लैंडमार्क बचा दिए गए हैं, हमको काफी चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्या बोलो, भूल गए कि हम भारत के जवान हैं, हमें कोई लैंडलाइन छू भी नहीं सकती है। ओके सर, हम मैं और सूरज जाके आसपास के क्षेत्रों को मुआयना करके आते हैं। जय हिंद। ओके जय हिंद। तो छुट्टी मंजूर हो गई है, बढ़िया, आप तो एंजॉय। और बाबूजी को आपने न्यूज दे दी कि आप आ रहे हैं? अरे यार, ये तो मैं सच्ची में भूल गया था यार, उनको फोन करके बताता हूँ कि यार मैं आने वाला हूँ अपनी छुट्टी में। बाबूजी बड़े खुश होंगे। यार ये तो बात तो सच है, कब तक इन जंगलों में पड़े रहेंगे, कुछ दिन घर भी बिताए हैं। हाँ भाई सही कह रहे हो, जाओ अपने घर, इन जंगलों में तो। हेलो बाबूजी, हमारी छुट्टी सैंक्शन हो गई है 15 दिनों की, हम घर आ रहे हैं जल्द से जल्द। हाँ हम घर आ रहे हैं। बाबूजी को प्रणाम कहिएगा सूरज की तरफ से। सूरज भी आपको प्रणाम कह रहा है और कह रहा है कि जल्द से जल्द घर जा, ठीक है हम आ रहे हैं। जल्दी जल्दी पूरी छुट्टी लेके घर पे आ जा, मुझे बेसब्री से तेरा बहुत इंतजार होता है। यह क्या हुआ भाई? कुछ नहीं भाई, लगता है भारत माँ का बुलावा आ गया है, जल्दी भारत के शहीद होने का नाम भी मिल गया। नहीं भाई रुक, मैं कुछ करता हूँ। नहीं भाई अब समय आ गया, तू इसे दूर हो जा। क्यों, तू मेरे कारण अपना जीवन दांव पे लगा रहा है? दूर हो जा, मैं तुझे इस हालत में नहीं छोड़ सकता। तू समझ क्यों नहीं रहा है, मेरा पैर लैंड माइन के ऊपर आया है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तू दूर हट जा। तू जा, मैंने कहा तू जा। कोई शिकवा नहीं है इस जीवन, छोटा ही सही, वो बड़ा अच्छा जिया है। ये जिंदगी किसी और जन्म में जीऊंगा तुझे, ये जिंदगी तो वतन के नाम। जय हिंद। तेरी हवा पे जिंदा तू भाई।
दादी आज मैं आ गया। आप एक काम करो, आप मेरे साथ, मैं आपको विदेश लेके चलता हूँ, आप मेरे साथ विदेश करो। मुझे मालूम है क्या क्या नाम था तेरे भैया के संग क्या हुआ। हाँ बताइए। आप मेरे साथ विदेश करो। नहीं, इस माटी के चक्कर में मेरे बेटे ने जान दी है, मैं इस माटी को छोड़ के कैसे चले जाऊँ। है ये बता मुझे, तेरे विदेश में कौन सा सुख और आराम है जो इस माटी के अंदर है मेरे देश के अंदर। मैंने बोला था भैया को मेरे साथ विदेश चलो, लेकिन नहीं, उन्होंने देशभक्ति करनी थी। क्या हुआ, चले गए? चला नहीं गया वो कहना शहीद हुआ है, वो आज भी देश की धरती में मिट्टी में मिला हुआ है, मेरे सीने में दबा हुआ है। तेरे लाखों के शहर के नाश का पैसे क्या है, मैं ऐसे आराम देंगे। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और हम ये चारों पांच लोग मिलकर बना रहे हैं, तो आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन है कि वीडियो को पूर्ण देखें एवं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर ही शेयर करें।